Hello everyone, welcome back to Lifestyle of New Mom. So, आज है संडे एंड मैंने आज शायद आप बोल सकते हो एक डिकेड के बाद व्लॉग स्टार्ट किया है. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट एवरीवन, क्योंकि व्लॉगिंग ना करने के पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है. रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था. एक्चुअली मेरे हाथ से फ़ोन गिर के उसका स्क्रीन, LCD सब टूट गया था. इसीलिए अभी आप देख सकते हो मेरी फ़ोन का जो कैमरा क्वालिटी है जैसे पहले था उससे बहुत मतलब ख़राब हो चुका है. पता नहीं अभी क्यों ऐसे हुआ, बट मुझे लग रहा है कि क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो गया है. आप सब बताना कि ठीक है कि नहीं. एंड आज जैसे कि मैंने बताया संडे है एंड मैं सुबह को बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि मीत जग जाए उससे पहले मुझे अपना सारा काम फिनिश करना पड़ता है. जैसे कि मीत के कपड़े धो के देना, नहाना, पूजा करना, ये सब, ब्रेकफास्ट रेडी करना, ये सब बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ता है. इसलिए मैं आप सभी से तब बात नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज. तो ये मैं अब भी कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि मीत के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं एक दिन में. आपको बच्चे का हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि कपड़े ज़्यादा गंदे ना हो, गंदे हो तो जल्दी से जल्दी उसे चेंज कर देना चाहिए. उससे बच्चे के स्किन पे कोई इन्फेक्शन, कोई लाइक बेबीज़ को बहुत जल्दी इन्फेक्शन, गंदी चीज़ों से बहुत जल्दी से एलर्जी हो जाती है. तो इसी बात का ध्यान रखने के लिए हमेशा आप अपने बच्चे को क्लीन रखें. तो अभी मैं आ चुकी हूँ, मैंने नहा लिया है एंड अभी आ चुकी हूँ मैं अपने बेडरूम पे. एंड बेडरूम की शायद ये वीडियो थोड़ी सी हेजी लग रही होगी आप सभी को, लाइटिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे. सो अभी मैं अपना बेड अरेंज कर रही हूँ. मीत जग गया है एंड वो अपनी दादी के पास है, दादी दादा के पास है, नीचे गया हुआ है. तो फ्रेंड्स मुझे बताना आप सब कैसे हो, क्योंकि मैंने तो आप सभी को बहुत मिस किया. मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया बट बहुत मिस किया आप सभी को. आज का ये वीडियो बस एक नॉर्मल डे है, कुछ खास नहीं है. तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो मीत बहुत अच्छे से बैठता है, बैठ के अपनी जो टॉयज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलता है. पहले वो ऐसे नहीं करता था, पहले हमेशा वो सो जाता था क्योंकि वो तब बैठ नहीं पाता था. अभी वो बैठना सीख गया है एंड थोड़ी बहुत चीज़ों के साथ रिलेट करता है. जब बेबीज थोड़े बड़े हो जाते हैं, ये देखिए बैकग्राउंड में साउंड मिल रहा है ना आप सभी को, मीत अभी चल रहा है, बहुत दौड़ दौड़ के चलता है वो. उसको मैंने एक्चुअली शू पहना दिया है इसीलिए आवाज़ आ रही है आप सभी को. तो जैसे कि मैं बता रही थी, मीत अभी बहुत अच्छे से खेलता है अपनी चीज़ों के साथ. वो वैरायटी साउंड जब निकलता है, कुछ गिरता है, वो सब उसको बहुत अच्छा लगता है. तो यही सब करता है एंड अभी मैं उसे अपना ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ. ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं थोड़ी देर उसको वॉकर पे चलाऊंगी, चलने के लिए रख दूंगी ताकि उसका खाना हजम हो जाए. उसके बाद उसको नहला के देती हूँ. तो आप सब देखिए.
Hello everyone, welcome back to Lifestyle of New Mom. So आज है संडे, संडे है आज, और अभी शाम के 7:45 बज गए हैं. तो मैंने मीत के लिए वहाँ पे एप्पल पाई एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया है. उसे मैं ओट्स के साथ वो दूंगी. और हमारे लिए हम आज ये बनाएंगे चॉकलेट बनाएंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने जो जो वेजीज देना है नूडल में तो वो मैंने कट कर लिया है. तो देखिए मैं क्या क्या आज दे रही हूँ. ये है टमाटर, प्याज, ये थोड़ी सी धनिया है, उसके बाद ये पत्ता गोभी है, और ये धनिया है, पत्ता गोभी है, और ये बीन्स है, और इस यहाँ पे शिमला मिर्च है, और थोड़े से वैसे जो चिली है वो यहाँ पे है, थोड़े से बस दो मैंने दिए है एकदम इस तरीके से कट करके. तो ये रहा पूरा वेजिस. थोड़ा सा मेसी लग रहा है बट अभी मैं करती हूँ तो आप देख लीजिएगा. सबसे पहले ऑयल पोर कर लीजिए आप. उसके बाद जो वेजिस आपने कट किया है उन वेजेस को एक एक करके हम दे देंगे. सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनियन को टोस्ट कर लिया है. थोड़ा सा वो गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम उस पर अभी हम उसमें टमाटर दे देंगे. उसके बाद एक एक करके सारी सब्ज़ी हम डाल देंगे. तो इसे अच्छे से आप पका ले थोड़ी देर. और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक ताकि सब्ज़ी जल्दी पक जाए. थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसे चलाते रहें. उसके बाद ये जो मसाला है वो मैं ऐड कर दूंगी. मैंने यहाँ पे एक पैकेट ही ऐड किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखा होता है. देखिए आप अभी धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है. और मैंने अभी थोड़ा सा पानी दे दिया है ताकि सब्ज़ी जल्दी से बॉयल हो जाए. उसके बाद आप इसे टॉप रेमन को अच्छे से क्रश करके उसी वाटर में दे दें. ये देखिए अभी वो नरम हो चुका है. थोड़ी देर अच्छे से चलाने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा. ये देखिए मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स दे दिया है. अभी आप इसे गरम गरम सर्व कर दीजिए. बन गए के रेडी हो गया है. अभी मैं इसे सर्व करूँगी. तो चलिए तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा. क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल डे ही था एक, बट मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं किया था तो मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग स्टार्ट करना ही चाहिए. तो अभी 7:30 बज रहे हैं. मीत को इवनिंग का जो स्नैक्स है वही मैं दूंगी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी.
अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय। Thank you.